हम आज बात कर रहे हैं उस रसोई की जिसमें भगवान जगन्नाथ के लिए खाना बनता है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें MyFM का YouTube चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। पुरी में भगवान जगन्नाथ के लिए जिस रसोई में खाना पकाया जाता है वो दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इसी रसोई में भगवान के लिए 56 भोग बनते हैं। दिन में 6 बार भगवान को भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि इस रसोई को दिव्य सिंहदेव नाम के एक राजा ने बनवाया था। त्योहारों के सीजन में यहाँ पर 1,00,000 के आसपास रोज लोग खाना खाते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर में बनी इस रसोई के 32 कमरों में 240 मिट्टी के चूल्हे हैं जिन पर खाना पकता है। और पता है भगवान के लिए मिट्टी के करीब 700 बर्तनों में ही खाना पकाया जाता है। एक बड़े मिट्टी के बर्तन में 100 लोगों के लिए चावल पकते हैं। 175 चूल्हों पर सिर्फ चावल ही बनते हैं। एक चूल्हे पर 9 बर्तन एक साथ रखे जाते हैं जिससे सिर्फ 15 ही मिनट में 17,500 लोगों के लिए खाना बन जाता है। और एक और दिलचस्प बात, भगवान के भोग में आयुर्वेद के सभी 6 रस जैसे कि खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कसैला और कड़वा इस्तेमाल होते हैं। भगवान के भोग में रोजाना 10 मिठाइयां बनती हैं। उनके खाने में लौंग, आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज, फूलगोभी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दें। इस तरह के और वीडियोस के लिए बने रहिए MyFM के साथ। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें MyFM का ऑफिशियल YouTube चैनल। याद रखिए अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो MyFM सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।